पाली भाषा क्यों जरूरी है या क्यों पाली पढ़नी चाहिए। कौसली यानी जो बुद्ध के समय में कौशल नरेश थे पसंजीत, तो इस भाषा को कौसली बोलते थे। मगध में इसी भाषा को मगधी बोलते थे और सम्राट अशोक के समय में इसको अशोकी बोला करते थे, और जब बुद्ध के वचन इसमें आए तो इसको बुद्ध की भाषा भी बोलते हैं। बाद में इसमें पंक्ति देखकर इसको पालने वाला समझकर, जब ये बाद में अभी डिस्कवर हुई कुछ समय पहले, तो इसको पाली के नाम से बोलने लगे। किसी ने पाली बोल दिया तो पाली के नाम से आ गई। मगर ये बेसिकली पाली जो भाषा है या जो मगधी है अशोकी है, ये पूरे भारत की भाषा है। पूरे भारत में ये बोली जाती है, पूरे भारत में ये चलती है। जैसे जैसे आप पाली की वीडियोस देखते जाएंगे, आपको इसमें अलग अलग जगह के शब्द आते जाएंगे, आप उसमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो लोग पाली में इंटरेस्ट लेते हैं या वीडियोस देख रहे हैं, वो समझ रहे होंगे कि पाली तो हिंदी ही है। अगर 10 छोटे छोटे बच्चे एक भेषभूषा में, एक ही रंग के, एक ही नाक नक्श के, लगभग एक ही उम्र के, 5 साल के, 6 साल के, अगर आप लाइन में खड़े कर दें और वो ना बोलें, तो आप नहीं पहचान सकते कि वो किस क्षेत्र के हैं या वो कहाँ के हैं। मगर अगर वो बोलना शुरू कर दें तो उनके बोलने के अंदाजे से, और अगर आपको उनका ज्ञान हो कि ये जो बोल रहे हैं ये किस क्षेत्र की भाषा है, तो आप उनके बोलने के लहजे से, अंदाज से, उनके शब्दों से, उनके अक्षरों से, ये बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि ये बच्चा किस क्षेत्र का है, कहाँ का है, कैसा है। बाकी उनका खान पीन और उनका त्वचा का रंग, उनके नाक नक्श रंग या उनके कपड़े, ये सब उनके जो कल्चर में आता है, जो उनके सीखा हुआ है, और अगर कोई मिक्स भी हो जाए तो उसके वर्ताव से पता चल जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर पैटर्न बता देता है कि वो बच्चा कहाँ का है और कैसा है। बताते हैं, अगर आप इंटरनेट पे खंगालेंगे तो पूरा इतिहास ये कहता है कि इसराइल एक ऐसा देश रहा है जहाँ जो लोग थे उनको वहाँ के लोगों ने भगा दिया, और वो लगभग 12-13 कबीलों में वहाँ से भागे, 12-13 कबीलों में बढ़कर पूरी दुनिया में बिखरे इसराइल के लोग, जिनको ज्यूज़ बोलते हैं या जिनको यहूदी बोलते हैं। और भारत में भी उनकी 3 ब्रांचें लगभग बताई जाती हैं जो आई, क्योंकि भारत में पाली भाषा में जो यहाँ का नहीं है उसको विपरीत बोलते हैं। समण यहाँ के व्यक्ति होते हैं, और समण का जो अपोजिट शब्द है वो वमण है। वम माने होता है विपरीत, यानी जिसको हम उल्टी करते हैं, वमन आ गई है, उसको विपरीत बोलते हैं। तो बाहर से जो आदमी आता है उसको यहाँ का ना बोल के विपरीत बोला जाता है, तो उसको पाली में वमण बोलते हैं। समणा और वमणा, कई बार भगवान बुद्ध ने इसका जिक्र कई बार किया हुआ है। तो जो वमण लोग हैं यहाँ समय समय पे आते रहे, क्योंकि भारत बड़ा खूबसूरत देश है और यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें मनोकारी, और बहुत अच्छा खाना, और बहुत अच्छा यहाँ मौसम है। चारों तरफ पहाड़ हैं, झरने हैं, झील हैं, घाटियाँ हैं, और रेगिस्तान हैं, समुद्र हैं। इतना ज़बरदस्त, इतना बढ़िया देश पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इसलिए जो यहाँ आया वो यहीं का होके रह गया, वमण यहीं का। दुनिया में लगभग 5 तरह से लोग अपना देश छोड़ते हैं। जो देश छोड़ने की प्रक्रिया है, यानी जो वमण बनते हैं, वो 5 कारणों से लगभग बनते हैं, अपना देश छोड़ते हैं। पहला कारण है कि अगर जहां वो रह रहे हैं वहां भुखमरी हो जाए, वहां रोजगार ना हो, वहां काम ना हो, तो लोग उस जगह को छोड़ देते हैं। आज भी गाँव छोड़ के लोग शहर आ जाते हैं, और शहर छोड़ के विदेश में चले जाते हैं, जहाँ उसकी जैसी ज़रूरत है, जहाँ जिसको खाना पानी दाना मिल जाए। एक कारण तो सबसे मजबूत ये है। इसमें जानवर भी अपना शहर, अपनी जगह, अपने जो क्षेत्र है उसको छोड़ देते हैं, अगर वहाँ सूखा पड़ जाए या आग लग जाए, किसी कारण से कोई हो जाए, तो ये नेचुरल फिनोमिना है। दूसरा है कि अगर देश खराब हो, देश खराब का मतलब है कि या तो आपने ऐसी हरकत की हो, जो ऐसे अपराध किए हों कि आपको वहाँ से भागना पड़े, या लोग भगा दें आपको, देश निकाला दे दें, या फिर देश में ऐसे कानून और ऐसे नियम बने हों जो आपको सूट नहीं करते, आपको माफिक नहीं आते, आपके मन में के मुताबिक नहीं आते, आप उनमें रहना नहीं चाहते, तब देश को छोड़ देते हैं। ये आज के दिन भी चलता है। बहुत सारे देश के लोग अपने अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में नागरिक बन जाते हैं। तो एक कारण है देश का खराब होना या खुद का खराब होना, दोनों कारण में से वो देश को छोड़ते हैं। तीसरा कारण आता है, जो बहुत ही एक सीधा सा कारण है, किसी को अगर ऐसी सजा हो जाए देश में कि उसको या तो मृत्यु मिले या देश निकाला मिले, तो वो देश को छोड़ देता है और फिर कहीं और जाके शरण लेता है, या पहले भी लेता है। इसको राजनीतिक शरण भी बोलते हैं,
जो आपने अक्सर समाचारों में देखी होंगी, जब एक राजनयिक दूसरे राजनयिक नेता के घर जाके शरण लेता है या एम्बेसी में शरण लेता है, राजदूत में या राजनिवास में शरण लेता है। एक होता है कि आपके देश को अगर, या आप किसी दूसरे देश पे कब्जा करना चाहें, उसके संसाधनों पे कब्जा चाहें, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाना चाहें, या अपनी ज़मीन बढ़ाना चाहें, या अपना कंट्री बढ़ाना चाहें, या अपना कबीला बढ़ाना चाहें, तब आदमी वहाँ पर आकर रहता है, वमण बनता है और वहाँ जाके वो गतिविधि चलाता है, यानी कब्जा करने के मकसद से। और एक होता है जो अक्सर कम मिलता है कि कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाए इसलिए कि दूसरे देश के लोगों की मदद करनी है, सहायता करनी है, उनको जीना सिखाना है, उनको संसाधन देने हैं, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी है। ऐसे केस कम मिलते हैं जो अपने देश के सुख को छोड़ के दूसरे देश के दुख में जाके वहाँ भागीदारी निभाएं और वहीं रह जाएं। बहुत सारे मिलते हैं, जैसे मदर टेरेसा थी जो अपना देश छोड़ के यहाँ आई और यहाँ आके सेवा भाव करने लगी, ऐसे लोग हैं मगर संख्या में उनकी बहुत कमी है। ये लगभग 5 कारण होते हैं, और भी छोटे मोटे कोई कारण हो सकते हैं समण और वमण बनने के, यानी वमण बनने के। कोई आदमी अपने फायदे के लिए वमण बनता है, कोई आदमी दूसरे के फायदे के लिए वमण बनता है। इस प्रकार जो लोग वमण बनते हैं वो वहाँ की भाषा को अपनी भाषा में मिक्स कर लेते हैं, मिश्रित भाषा हो जाती है, जो जहाँ के आते हैं उनके शब्द उस भाषा में चलने शुरू हो जाते हैं। कई बार आदमी जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है या बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है, तो वो दूसरे की भाषा को ख़राब करके, उस जगह की भाषा को ख़राब करके अपनी भाषा पे, अपनी भाषा वहाँ लागू करने की कोशिश करता है। ख़ास तौर से जितने भी आक्रामक रूलर हैं, जो वमण जिन्होंने आक्रमण किए हैं, वो जब भी आए हैं अपनी भाषा अपने साथ लेके आए हैं। जैसे अरब से लोग भारत में आए तो वो अरबी लेके आए जो बाद में उर्दू बनी, जो अंग्रेज़ आए वो अंग्रेज़ यहाँ आए और अंग्रेज़ आने के बाद में यहाँ इंग्लिश उन्होंने चलाई तो यहाँ लोगों ने सीखी, और जो यहूदी जहाँ जा भी गए वो अपनी भाषा हिब्रू को लेके गए, हिब्रू भी भारत में आई, क्योंकि आधा रह भारत में होता नहीं है, भारत में प्राचीन पाली भाषा के अंदर आधा रह नहीं होता और हिब्रू के अंदर आधा रह होता है, इसलिए आधे रह का चलन हिब्रू भाषा से लिया गया और उसी भाषा से लगभग आया गया। भारत की भाषा के अंदर शय शब्द या षटकोण वाले नहीं होते, मगर हिब्रू या जो ठंडे देशों की भाषा है उनमें शय शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए शय शब्द का चलन भी वहीं से आया गया है। तो इसलिए भाषा बहुत ज़्यादा बता देती है कि किस भाषा का कहाँ मिक्सिंग हुई है, कहाँ वो आई है। इनको पीजन लैंग्वेज बोलते हैं, मिक्स लैंग्वेज को, और ये लैंग्वेज पूरी दुनिया में हजारों की संख्या में चलती रहती है, क्योंकि बहुत सालों से, हजारों सालों से वमन और समन यानी इन्वेजन यानी एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण या आक्रमण या घुसपैठ होती चली आ रही है। इसको आप घुसपैठ माने या रहना माने या वमन माने, एक ही बात है। हर भाषा का जो मिश्रण होने का यानी मिश्रित होने का बहुत समय लगता है, मगर जो मूल भाषा है वो अपने शब्द कभी नहीं छोड़ती, वो अपने अर्थ कभी नहीं छोड़ती। और बहुत अगर ध्यान से देखेंगे और ध्यान से छानेंगे तो आपको मूल भाषा और मूल जगह मिल जाएगी, जबकि जो वमण होता है वो उस भाषा को मारने में पूरी अपनी ताकत लगा देता है। या तो अगर आप अपनी लोक भाषा को या अपनी जो गांव की भाषा है या जो अपनी क्षेत्र की भाषा है अगर आप उसको बोलेंगे, तो वमण जो होगा वो आपकी भाषा की मजाक उड़ाएगा, खिल्ली उड़ाएगा और अपनी भाषा को प्रमोट करेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा। ये पूरी दुनिया में होता है, इसलिए जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं किसी क्षेत्र में, वो अपनी भाषा को बड़ा अच्छा बताते हैं, और जो वहाँ की लोकल भाषा होती है उसको हमेशा वो कम या इन्फीरियर करके, छोटा करके बताते हैं, ताकि वो भाषा ख़त्म हो जाए। जिनकी भाषा ख़त्म हो जाती है उनके इतिहास ख़त्म हो जाते हैं, और जिनकी इतिहास ख़त्म हो जाते हैं उनकी अपने वंश की जानकारी भी ख़त्म हो जाती है। आपने अगर देखा होगा पुराने समय में जो जानकारियाँ आती थी, जो मनुष्य की जितनी भी फीलिंग पे आधारित थी, फीलिंग का मतलब है जो सेंसेशन और जो शरीर में जितने भी वेदनाएं आती हैं उन पे आधारित जो जानकारी थी, भारत इसके लिए बड़ा प्रमुख क्षेत्र रहा है। भारत के लोगों ने अपनी वेदनाओं की जानकारी बहुत ज़्यादा इकट्ठी की है। कैसे इकट्ठी की है? जैसे काली मिर्च खाई, काली मिर्च खाने के बाद में अगर वो जब ध्यान साधना लगाते हैं तो देखते हैं कि काली मिर्च खाने के बाद में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, या उन्होंने पानी पिया ठंडा तो देखते हैं कि शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, या गर्म पानी पिया तो क्या प्रभाव पड़ा, या उन्होंने ये देखा कि अगर कोई जड़ी बूटी खाते हैं तो उस पर शरीर कैसे काम करता है, इसकी मात्रा गर्म पानी से लेते हैं तो क्या इसमें
फर्क आता है शरीर में, और अगर ठंडे पानी से लेते हैं तो क्या फर्क आता है, ज्यादा लेते हैं तो कैसी वेदनाएं निकलती हैं, जैसे मिर्च अगर आप थोड़ी सी खाएंगे तो वेदनाएं जो तीव्र वाली हैं वो कम आएंगी, ज्यादा मिर्च खा लेंगे तो ज्यादा आएंगी, मगर ठंडा पानी पी लेंगे तो वेदनाएं शांत हो जाएंगी, मीठा खा लेंगे तो वेदनाएं और ज्यादा शांत हो जाएंगी। ये सारी वेदनाएं, सारे अनुभव, सारे सेंसेशन वो अपने शरीर पे चेक करते थे, इसी के आधार पे वो बताते थे कि क्या अच्छा और क्या खराब है। जैसे कोई व्यक्ति आया और आपके पास आके बैठा, तो वो ये चेक करते थे कि इस व्यक्ति के आने से मेरे शरीर पे कैसी वेदनाएं आ रही हैं, इसके लिए सहानुभूति की आ रही हैं या प्यार की आ रही हैं या लड़ाई की हैं या झगड़े की हैं या गुस्से की हैं या अवसाद की हैं या तीव्रता की हैं या अफसोस की हैं, जैसी भी आ रही हैं वो उसका अध्ययन करते थे। ऐसे ही कहीं अगर युद्ध होता है तो युद्ध में क्या का फ़र्क पड़ा एक सैनिक पे, क्या होता था, तो वो सब अपना चेक किया करते थे। घर के अंदर जो माँ होती थी, कुल माता, वो चेक करती थी कि जो घर के अन्य सदस्य हैं उनका आज स्वभाव कैसा है, आज संवेदनाएँ कैसी हैं, ये खाना बनाने पे कैसी हैं, इस मौसम में कैसी हैं, मैंने ये कहा तो क्या फ़र्क पड़ा है, वो सारे शरीर पे संवेदनाएँ वेदनाएँ जितनी भी आती थी उनको वो चेक करके, उनका विश्लेषण करके, उनका अध्ययन करते थे। ऐसे लोगों को वेदक बोलते थे, वेदक, जो इन वेदनाओं का अध्ययन करते थे। अभी तो हम वेदनाओं का जो जानकारी है, वेदना का मतलब हम दर्द बोलते हैं। जब किसी को कहते हैं कि आपको कोई वेदना हो रही है, इसका मतलब है कि आपको पेन और दर्द हो रहा है। मगर पुराने समय में, पाली समय में, वेदना का मतलब है कि शरीर पे जो भी प्रभाव हो रहा है उसको वेदना, अगर अच्छा हो लग रहा है तो उसको सुखद वेदना, और अगर खराब लग रहा है तो उसको दुखद वेदना करके बोला जाता था। धन्यवाद।